कमलनाथ ने कहा कि किसानों को फर्जी कर्जा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी एफआईआर। छिंदवाड़ा में पहुंचे कमलनाथ ने आक्रामक रुख से कहा है कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान सेवा सहकारी समितियों के अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों के नाम से फर्जी कर्जा लिया गया। हमारी सरकार इसकी जांच कराएगी और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने आगे यह भी कहा कि ओलावृष्टि से जो भी नुकसान होगा सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी। कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने झुग्गी बस्ती वालों को याद नहीं किया बल्कि उन्हें कुर्सी की याद रहती है। सही बात है सर, निवेशकों के लिए बताओ ओलावृष्टि जो हुई है उसके लिए बोले हैं। ओलावृष्टि के लिए सर्वे कराया जाएगा और पूरा मुआवजा दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, और किसानों को जोर हाथ मिल सकती है, अवश्य दी जाएगी। सर ये जो कर्ज माफी का मामला है सर, उसमें गड़बड़ियां सामने आ रही है अधिकारी? बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं क्योंकि खास करके कोऑपरेटिव बैंक्स में कि जिन्होंने कर्ज लिया उनके नाम पर बैंक के कर्मचारियों ने दिखाया है कि उनका ड्यू है, पर ये सब जो बातें अब सामने आई हैं, पर ये सब जो घपले हुए हैं कब हुए? पिछले एक महीने में तो हुए नहीं। इसका मतलब ये जो थे घपले की परंपरा ये सालों से चल रही थी और इसमें मिली जुली भगत थी इसमें। तो मैं कहता हूँ कि इसमें हम पूरी जांच कराएंगे और जहाँ जहाँ ये आ रही है मैंने तो निर्देश दिया है कि एफआईआर लॉन्च किया जाए। सर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को झोपड़ी वालों की याद आ रही है सर अभी? उनको तो बहुत सारी चीजें याद आ रही है, सबसे पहले तो उनको अपनी कुर्सी की याद आ रही है।